हेलो जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मजे में। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो यार, आज ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो आजकल के सिमाल लोंडे खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, जिनकी पैंट का साइज सिमाल तो है लेकिन पैंट पहनने के बाद गिर जाती है। मतलब वो जब भी हम जैसी में मेरी जैसी ब्रादरी जैसे लोगों को देखते हैं, मोटे लोगों को देखते हैं, तो उनको देखते ही उनको टीज करते हैं, बोलते हैं कि चल भाई मोटे, चल भाई गांडू कितना खाता है। भाई मेरी बिरादरी वालों, मतलब जो भी मोटे लोगों मेरी तरह, भाई तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हें कोई स्मार्ट लौंडा ऐसे बोल रहा है कि चल बे गांडू, चल बे भैंस कितना खाता है, तुम उसे सीधा बोल सकते हो तेरा बाप का खाता है क्या। ये बोल सकते हो ताकि तुम्हें वो दोबारा कुछ बोले ना। हालांकि बोलना तुम्हें चाहिए कि मतलब जब भी तुम्हें ये बोल रहे हैं कि अपने बाप का खाता, तुम बोलो कि तू अपने बाप का क्यों नहीं खाता साले पतली टट्टी। तुम्हें क्या लगता है कि साले हम मोटे हैं तो तुम कौन हो मुठ्ठल? हम चीज बर्गर खाएं और तुम क्या अपने बाकी टट्टी खाते हो? वो दोबारा बोलेगा ही नहीं, कसम से इस बार की गारंटी मैं देता हूँ। वो कभी भी तुम्हें मोटा या भैंस कभी भी नहीं बोलेगा, सच बता रहा हूँ। लेकिन मेरा कुछ नहीं है, मुझे लोग सब कुछ बोलते हैं और मुझे ये सुनने में बहुत मजा आता है। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही मजा आता है जब भी कोई मोटा भैंस बुलाता है, मजा आता है। लेकिन साइड में उनकी जरूर में मार लेता हूँ, उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि गुस्सा तो आता है। इन सिमाल लड़कों को लगता है कि ये जब भी पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा पहनते हैं तो लोग इनको देखते हैं, लेकिन कसम खुदा की सच्ची बात बता रहा हूँ, वो जब भी क्रॉस करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कोई क्रॉस करके गया। वो जब भी किसी गाड़ी में बैठते हैं तो अगर गलती से हवा आ गई तो कसम से वो जल्दी से उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि भाई कहाँ गया, अबे पीछे तो बैठे थे कहाँ गए, और भाई मैं पीछे नहीं ऊपर हूँ, ऐसे बोले। साला बचपन से लेके घर की सुने, मोटे ये ला, मोटे वो ला, मोटे 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 करके मारते। लेकिन बाहर जाके इन सालों की सुनो, अबे तुम लोग खिलाते हो क्या हमें? कभी देख के है कि कहा है काशी भाई आजा बर्गर खिलाओ। अबे साले तुम लोग हमेशा मेरे खाते हो, मेरे पैसों से खाते हो, फिर भी तुम मुझे बोलते हो कि मोटे। बहन के लौड़े, तू अपनी माँ का खा, तू टट्टी मत खा, अपने बाप का कुछ खा, खाना पीना चीज बर्गर सब कुछ वो खा, मुझे मत बोल, ठीक है ना? तू मुठ्ठल है, तू टट्टी खाता है और टट्टी बाजी है, पतली टट्टी है तू, मुझे मत बता। लेकिन देखा जाए तो हम मोटे लोगों का बहुत ही मान दर्जा है। हम जब भी क्रॉस करते हैं तो जमीन को पता चलता है कि कोई चल रहा है हमारे ऊपर, और जब भी क्रॉस करते हैं किसी इंसान या किसी पार्टी में क्रॉसिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं कोई आ जा रहा है, और गलती से किसी को हमारी साइड लग गई तो भाई वो बंदा पता नहीं 2 किलोमीटर आगे चला जाएगा कि कोई किसी ने टच किया। मतलब हमारा दर्जा बहुत ही मान है। हम किसी भी बड़े शॉप चले जाते हैं, अपनी पेंशन लेने जाते हैं, तो लोग सोचते ये हैं कि भाई इसका नंबर है, एक्स्ट्रा लार्ज ले आएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं आएगा। मतलब कितनी महान की बात है कि आपकी ड्रेस यहाँ पे है ही नहीं, ये लोकल शॉप है, लोकल कितना बड़ा पता क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा लार्ज के साइज ऊपर ना हुई तो समझो कि वो बेकार किस्म का शॉप है या मॉल है कुछ भी है। मतलब हम मोटे लोगों का दर्जा बहुत ही महान है। तो यार मेरी गुजारिश है इन हड्डियों के ढांचों से, तो यार प्लीज जब भी तुम किसी मोटे को देखो तो उसे टीज मत करो, उसे तंग मत करो, क्योंकि अगर वो मोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास और क्वालिटी नहीं है। मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर यार, मतलब समझा करो। अगर तुम उसे इज्जत नहीं दोगे कि वो समझेगा कि घर पे उसी कुत्तों जैसी हालत है, और बाहर तेरे जैसे लौंडे हरामी दोस्तों से मिल जाए तो उसकी तो गांड मारने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे तुम। तो इसी प्रकार सुधर जाओ, वरना तुम्हारी मानने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला मैं। समझ में आई बात? तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो में मुझे कमेंट बताओ, और कमेंट में मुझे गालियां मत देना क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त भाई हूँ, समझा करो। तो इसी प्रकार तो सही बोल रहा हूँ, और जल्दी में कुछ कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसे लगी, और क्या क्या बोलना था। हाँ, ये बोलना था कि अगर जल्दी से तुम मुझे सही से बताओगे तो दूसरी वीडियो जो होगी वो लड़कियों की होगी, और वो भी लड़कियाँ जो मोटी लड़कियाँ होती है उनकी क्या थॉट्स होती हैं, वो क्या सोचती हैं, क्योंकि मैं कल ही किसी मोटी लड़की से मिला हूँ और कसम खुदा की क्या लड़की थी। मतलब उसने अपने ड्रीम्स जो बताए कसम से मैच कर ही नहीं रहे थे। मैंने कहा भाई मैडम तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तो मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक ये लव यू ऑल।